नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आगे बाजार का मूड क्या रहेगा, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करनी है, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। और खबर यह है कि खुले बाजार में, ओपन मार्केट में किसानों को फसल बेचने की मंजूरी मिले, इसको लेकर के कृषि सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और ये उनसे आग्रह किया है कि अपने अपने राज्यों में किसानों को APMC या फिर जो तय मंडी है उससे बाहर फसल बेचने की इजाज़त दी जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी फॉलो हो जाए और किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत भी ना हो। सभी राज्यों से ये कहा गया है, आग्रह किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि फसलों की हार्वेस्टिंग का वक्त है, एक लेटर लिखा गया है जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से राज्यों को कि ओपन मार्केट में किसानों को बेचने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए कोई लाइसेंसिंग फीस भी ना हो। आपको लगता है कि ये फॉर्मूला ठीक होगा? नमस्कार। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और कई सालों से, 2003 से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह किसानों को भी वो आज़ादी मिल जाए जो बाकी कमोडिटी, बाकी जो चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसके बनाने वालों को है। लेकिन चलिए, कोरोना की वजह से ही सही, लेकिन ये किसानों को आज़ादी मिली है। मैं समझता हूँ ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमें समझना चाहिए कि सारे किसानों को कोई ना कोई खरीदार मंडी के बाहर मिल जाएगा। मंडियों का रोल अपना रहेगा और मुझे लगता है कि ज़्यादातर जगह पर अब भी ज़्यादातर कमोडिटीज की खरीदो फरोख मंडियों के अंदर ही होगी। ओके, एक और सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि आपको लगता है, चूंकि अभी एक बड़ी क्रॉप आनी है गेहूं की और भी बाकी रवि के क्रॉप हैं, मस्टर्ड है, चना है, तो ऐसे में एक बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था बनाई जाए ताकि लॉकडाउन का ज्यादा नुकसान ना हो फार्मर्स को, इसके लिए क्या और अल्टरनेट तरीके हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए कई कोशिशें हो रही हैं, राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि मंडियों पे लोगों की जो तादाद आती है, बहुत बड़ी तादाद किसानों की, ट्रेडर्स की, कमीशन एजेंट्स की, ट्रांसपोर्टर्स की, मजदूरों की, उसको किसी तरह से कम किया जाए, जिससे कि किसी तरह लोगों में आपस में जो फासला जरूरी है इससे कोविड से बचने के लिए वो बरकरार रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है कि कोशिश हो, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गेहूं और सरसों वगैरह और स्टेट्स में, चना मध्य प्रदेश में मंडियों में आता है, उस क्वांटिटी को मैनेज कर लेना मंडी के बाहर इतना आसान नहीं है। हमने पिछले सालों में देखा है कि मंडी के अंदर भी समस्या होती है, कई कई दिनों तक जो गेहूं प्रोक्योर किया जाता है वो मंडियों से गोडाउन में नहीं जा पाता है, मंडियों में पड़ा रहता है। तो इस, मुझे अच्छा लग रहा है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसके लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दीबाजी में हम कोई बहुत बड़ी मिकदार मंडियों के बाहर खरीद पाएंगे। ओके, लेकिन सिराज जी, एक और बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अभी 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के क्या हालात होंगे, इसको लेकर अलग अलग राय है। कई राज्यों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इसको लेकर हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई फैसला हुआ नहीं है, ना आधिकारिक बयान आया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, जो मौजूदा हालात हैं कोरोना को लेकर के, अगर उसको रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए कुछ और दिन बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो हो सकता है कि ये फैसला हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे में आपको लगता है कि रवि हार्वेस्टिंग को डिले करना भी ठीक होगा, या आपको लगता है कि भले लॉकडाउन बढ़ जाए लेकिन रवि हार्वेस्टिंग को अब डिले नहीं किया जाना चाहिए? आपका अपना मत क्या है इसके ऊपर? देखिए, ये हार्वेस्टिंग ऑलरेडी डिले हो चुकी है,
और मुझे नहीं लगता कि अब इसको और बहुत ज्यादा 15 के बाद डिले किया जा सकता है, क्योंकि किसानों को खरीफ के लिए भी अपनी फसलें तैयार करनी है, उनको पैसे की भी जरूरत होती है। तो हमें राज्य सरकारों को और केंद्र को मिलकर ये कोशिश करनी होगी, और वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान अपनी फसल को स्टैगर्ड तरीके से लाएं। पंजाब ने ये प्रपोजल दिया है केंद्र सरकार को कि जो किसान अपनी फसल मई में लाते हैं उनको कुछ इंसेंटिव के तौर पे 15-20 रुपए क्विंटल इजाफी भुगतान किया जाए एमएसपी के अलावा। तो इस तरह की कोशिशें हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसको और टाला जा सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि जिन जिलों में इसके COVID-19 के केसेस नहीं हैं, तो शायद उन जिलों में, मुझे लगता है उन इलाकों में रेस्ट्रिक्शंस में कुछ आसानी हो जाने की संभावना लगती है। ठीक बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिराज हुसैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं आज के बाजार की। आज गोल्ड ने एक बार फिर से ऐतिहासिक स्तर को छुआ, 45,724 ये गोल्ड का नया हाई है। एक बड़ी तेजी आज हमने गोल्ड की कीमतों में देखी है और इसके पीछे वजह साफ है, दुनिया भर में कोरोना को लेकर जो चिंता है, कोरोना की चिंता के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। हालांकि फिजिकल डिमांड में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है गोल्ड की वो बढ़ रही है। SPDR गोल्ड की होल्डिंग बढ़ गई है 0.5% से ज़्यादा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है। दुनिया भर में आर्थिक पैकेज के ऐलान हो रहे हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक क्वांटिटिव ईजिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसने बुलियन मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस रफ्तार से गोल्ड आगे बढ़ रहा है, अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ये 50,000 के स्तर को भी छू लेगा, लेकिन ऐसे में क्या 50,000 के टारगेट को ध्यान में रखकर किसी को अभी ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये जल्दबाजी होगी? आप क्या मानते हैं? मंजिल के एहसास तो लंबा रखना पड़ेगा। लास्ट हफ्ते आई थिंक 1590 के बॉटम के बाद बाजार जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर $1720 के आसपास एक उछाल दिया है। ये तकरीबन $130 की जंप रही है, और इस $130 की जंप में अगर बाजार यहाँ से $40 से $50 भी अगर करेक्ट होता है नीचे में, तो उसको हम एक नॉर्मल करेक्शन की तरह ही मानेंगे। और $50 के करेक्शन में तकरीबन बाजार जो है एक बार हो सकता है कि 43,500 या 43,000 तक भी नीचे में फिसल जाए करंट स्तरों से। और अगर ऐसा होता भी है बाजार में, तब भी हम ऐसा नहीं देखते हैं कि बाजार कमजोर हो गया है और बाजार की में मंदी का दौर शुरू हो गया है। तो मेरा मानना है कि कोई भी अगर 50,000 के टारगेट के लिए अगर बाई की पोजीशन बनाता है, तो उसे ये भी एक मानसिक तौर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2,500 से 3,000 रुपये का जो करेक्शन होगा नीचे में वो एक नॉर्मल करेक्शन होगा। और किसी भी निवेशक को या किसी भी ट्रेडर को अगर बाई का पोजीशन करंट स्तर से लेना है, तो ये स्टॉप लॉस इतना लंबा 2,500 से 3,000 पॉइंट का लेना पड़ेगा, या फिर थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए 44,000 से 43,500 के बीच का, जो हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में आ भी जाए शायद। इसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बाजार ने आज भारत में एक नया उच्चतम स्तर स्थापित किया है, तो हो सकता है कि बाजार 44,500 से ही एक नए ऊंचाई की तरफ लौट पड़े। तो बाजार में डेफिनेटली गोल्ड में बहुत तेजी है, और जिस तरह से सारे पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं उसमें शेयर बाजार के साथ साथ सोने में भी निवेश बराबर हो रहा है, क्योंकि पोस्ट कोरोना इफेक्ट, जब कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा तब भी इकोनॉमीज को वापस लौटने में काफी समय लगेगा, तो इस दौरान गोल्ड ही एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें एक रिटर्न अच्छी सी मिल सकती है। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। सचिन जी, आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड पर क्या व्यू है? क्योंकि अब मान लीजिए 45,000 के ऊपर कोई इन्वेस्ट करता है और 15% 20% अगर रिटर्न की उम्मीद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करता है, तो क्या ये उम्मीद करना अभी जायज होगा? क्योंकि इतने दाम बढ़ गए हैं और यहाँ से अगर इतनी तेजी और उम्मीद की जाए, तो क्या इतना पोटेंशियल है क्या गोल्ड में, भले ही हालात सामान हो जाए कोरोना को लेकर के आने वाले दिनों में और बाकी फंडामेंटल में कोई बदलाव ना हो, लेकिन क्या तब भी गोल्ड में इतनी रफ्तार हम देख पाएंगे और इस उम्मीद में इन्वेस्ट करना चाहिए?
गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि अभी स्कोप और बचा हुआ है, हालांकि स्प्रेड काफी ज्यादा है जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। तो 1,000-3,000 पॉइंट का मोमेंटम तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोजीशन बनाने का है तो आप साइड में मुझे एक बार 48,000 और 50,000 तक के टारगेट्स क्लियर एंड लग रहे हैं। तो और बात की जाए अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखने की, तो जो बाइंग लेवल्स जो बनते हैं वो अराउंड 42,500 और 43,000 की रेंज में बनते हैं। इस लेवल पे अगर मार्केट में पोजीशंस बनाई जाए तो मुझे लगता है एक बार 40,000 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें वेट किया जा सकता है, और टिल द ईयर एंड एक बार 50,000 के तक के टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल नरेंद्र का है भुवनेश्वर से। पूछिए नरेंद्र जी। नमस्कार, पूछिए। हेलो हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, पूछिए। हेलो नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। इनका सवाल कोरिएंडर के ऊपर है। कोरिएंडर पर राजीव जी क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है? मिथुन जी, कोरिएंडर काफी अच्छा काउंटर लग रहा है। मुझे लगता है अगर 6,050 के आसपास अगर इसका कल रेट आता है, आने वाले एक आधे दिन में आता है, तो खरीदारी कर सकते हैं। 6,200 और 6,300 दो टारगेट के लिए इसमें बाइंग करी जा सकती है, और 5,980 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अरिहंत का, जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए अरिहंत जी। अभी ग्वार गम लें या क्या करें? कम ग्वार गम में अभी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। ग्वार गम के ऊपर सचिन जी क्या आउटलुक है आपका, क्या ग्वार गम का मार्केट अभी ट्रेड के लिए तैयार है, और क्या अभी यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो प्रीवियस स्विंग हाईस को ब्रेक करके ग्वारगम ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है ये रैली अभी अपसाइड में कंटिन्यू होनी चाहिए। अपसाइड में एक बार 5,400-5,500 तक के लेवल्स भी जो है ग्वारगम में देख सकते हैं, और वहीं एक सपोर्टिव बाइंग हम लोग को क्रूड ऑयल में भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है क्रूड में एक पॉजिटिविटी जो है वो ग्वार को काफी हद तक सपोर्ट करेगी। तो अपसाइड में 5,500 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। हाँ जी सर, जी पूछिए, सुन रहा हूँ। सवाल है राजीव जी से, ग्वार पड़ा है आपको 5 साल पहले का। हाँ जी, 5 साल पहले ग्वार पड़ा है, ये 5,000 हो जाएगा सर 2-3 महीने में? दो तीन महीने में ग्वार सीड का भाव क्या 5,000 रुपए तक जा सकता है क्या राजीव जी? जी अभी तो मुझे इतना ऊंचा भाव लगता है संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल जैसे कि विदेशी जो भी मांग बनेगा ग्वार गम का, अभी इतना मुझे लगता नहीं जल्दी में इतना ज्यादा मांग बढ़ने वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल की काफी उपलब्धता है बाजार में विदेशों में। सिर्फ प्रोडक्शन कट का ही न्यूज आएगा जिसके कारण क्रूड ऑयल बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कट का मतलब है कि ग्वार गम का जो मांग है थोड़ा और कम ही होगा। तो मुझे लगता नहीं है 2-3 महीने में 5,000 का भाव ग्वार सीड का आने वाला है। बिल्कुल, तो दो तीन महीने में इसकी कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है कि 5,000 का लेवल ग्वार सीड का दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संजय का, पूछिए संजय। नमस्कार सर जी। हेलो नमस्कार, पूछिए सर। जी पूछिए सर, सोया रिफाइन से सवाल है सर, किस रेट पे बाय कर रहा है, स्टॉप लॉस किस रेट पे लगाना है सर? अच्छा, सोया रिफाइंड के ऊपर आपका सवाल है कि क्या अभी बाइंग करने का मौका है, और अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया जाए, टारगेट क्या हो, बताइए सचिन जी। मुझे लगता है कि बाय पोजीशंस तो ये बना सकते हैं, कल के दिन का मार्केट में अगर 800-805 के आसपास में प्राइस मिलते हैं तो उस लेवल पे पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 778 का रहेगा, उस स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड में एक बार 830 और 835 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रमेश का राजस्थान से, पूछिए रमेश। नमस्कार
नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, ग्वार गम में अभी क्या करना चाहिए? जी जी, सुन रहा हूँ, पूछिए। हाँ जी, हाँ, ग्वार गम पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय के बाद आज मार्केट में एक्शन भी दिखा है। राजीव जी, चलिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, ग्वार गम में अभी क्या मौका है? मिथुन जी, 5500 तक के दाम तो डेफिनेटली दिख रहे हैं जाते हुए एक दो दिन में, तो थोड़ा सा वैसे तो लगे आज अपर सर्किट के आसपास बंद हुआ है। अगर कल मिल जाता है 5300 के आसपास तो खरीदारी करें और 5220 का स्टॉप लॉस रखें। 5450 और 5500 के लिए बाय का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है अगले एक से दो दिन के बीच में। अगला सवाल है मांगी लाल का, जोधपुर से हैं हमारे साथ, पूछिए मांगी लाल जी। सर, जीरा का भाव बढ़ेगा क्या? 13,000 रुपए आसपास आएगा जो फिजिकल मार्केट में। ओके, बताइए राजीव जी, क्या लगता है आपको, फिजिकल मार्केट में अभी जीरे के दाम बढ़ेंगे? मृत्युंजय जी, फिजिकल मार्केट का तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ रेट क्या है। फ्यूचर में जो रेट है 14,250 का है और ये नीचे से काफ़ी एक रिकवरी देकर आया 700-800 पॉइंट की, तो मुझे लगता है कि जो दाम है ऑलरेडी काफ़ी रिकवरी दे चुके हैं और यहाँ से नीचे फिसलने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे जीरे के। एक बार मुझे लगता है कि फ्यूचर में 14,000 तक नीचे में फिसल सकता है दाम, और हमारी राय में 14,300 पर इसमें बिकवाली की सलाह होगी। 14,500 के स्टॉप लॉस से 14,000 और 13,900 दो टारगेट के लिए इसमें बिकवाली कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल है साहिल का, सूरत से हैं हमारे साथ, पूछिए साहिल। नमस्ते सर। सर, मेरा सवाल हल्दी पे, मेरे पास हल्दी पड़ी है 5758 के भाव में मई महीने की, तो मैं अभी क्या करूं? अच्छा बताइए राजीव जी, इनके पास स्टॉक है 5700-5800 के भाव का, अभी रुकना ठीक रहेगा? ट्रेडिंग में मैंने लिए, ट्रेडिंग में लिए। ये काम करें, बिल्कुल ठीक है, वायदा आपने लिया है, आप एक 5600 के रुपए से नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और बाजार अगर 5850 के ऊपर सस्टेन करता है तो मई का जो वायदा है वो एक बार आपको 6000 तक का दाम दिखा सकता है, तो 6000 के आसपास आप अपना प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। 5600 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिएगा। अगर 5600 के नीचे बाजार हल्दी का मई का वायदा सस्टेन करा तो वहां से फिर एक गिरावट आ सकती है और उसके रहते हुए बाजार फिर से 5400 की तरफ जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है टर्मरिक के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी में भी आज ठीक ठाक तेजी हमने देखी है। चांदी में अगर ट्रेड करना हो अगले एक दो दिन के लिए सचिन जी, तो क्या क्या लेवल होगा ट्रेड इनिशिएट करने का, क्या टारगेट होगा, कहां पर स्टॉप लगाना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है सिल्वर में ट्रेडिंग के लिहाज से जो लेवल्स होंगे वो अराउंड 43,100 के आसपास के रहेंगे। इन लेवल्स पे अगर सिल्वर मिलता है तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस बनेगा एक, वो डाउनसाइड का जो स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड वो रहेगा 42,650 इस स्टॉप लॉस के साथ में। अपसाइड में जो है 44,200 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सुनील का, सिरसा से हैं हमारे साथ, पूछिए सुनील जी। सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं। मेटल में आज के लिए सबसे अच्छा काउंटर आपको सचिन जी कौन सा दिख रहा है, मतलब आज, मतलब अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए? एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो अच्छा काउंटर मुझे बेस मेटल्स में लगता है वो जिंक मिनी है। जिंक मिनी मुझे लगता है एक बार 149-148 के आसपास की रेंज में बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 147 का एक स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड मुझे लग रहा है, एक से दो दिन के अंदर 153 तक के टारगेट्स जो है जिंक मिनी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, अगला सवाल है सुनील का, बहराइच से है हमारे साथ, पूछिए सुनील जी। हेलो सर। हेलो जी, नमस्कार, पूछिए जी। जी, पूछिए सर, सुन पा रहा हूँ, पूछे। हाँ सर, मैं नमस्कार, नमस्कार, पूछिए।
मेंथाइल पर मेरा सवाल है सर, मेंथाइल अप्रैल मई में कहां तक जा सकता है? अप्रैल मई में मेंथा ऑयल के दाम कहां तक जा सकते हैं, बताइए राजीव जी। हाँ मृत्युंजय जी, मेंथा ऑयल में मुझे लगता है कि दाम जो है 1220 और 1250 दो टारगेट के लिए ऊपर जा सकते हैं। 1160 और 1150 के बीच में अगर दाम थोड़ा सा करेक्शन लेता है मेंथा ऑयल का तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इसमें। और इसमें मेरी राय में जो स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का मेंटेन करना चाहिए। 1220 और 1250 दो लक्ष्य ऊपर की तरफ देख रहे हैं मेंथा ऑयल में, काफ़ी स्ट्रांग बाइंग इसमें लग रही है अब नीचे के स्तरों से आती हुई, तो काफी चांसेस हैं बाजार के ऊपर यहाँ 50 से 80 रुपए जाने के। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है मेटल में कि कहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। इस बीच हमारे साथ सुनील ने मेंथा पर सवाल पूछा था, ये जवाब आपने दिया, लेकिन कमल जुड़ रहे हैं इस वक्त हरियाणा से, पूछिए कमल। सर मेरा सवाल ये है कि क्रूड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, परचेज बाय करने में फायदा है? क्रूड का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। गुरुवार का दिन क्रूड मार्केट के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि गुरुवार को एक बैठक होने जा रही है सऊदी अरब और रूस के बीच में, और उस बैठक में ये तय होगा कि क्या उत्पादन कटौती यहाँ पर बढ़ाई जाए, की जाए या नहीं की जाए। उसी उम्मीद में मार्केट ने यहाँ पर एक तेजी दिखाई भी है, क्या किया जाए सचिन जी क्रूड में? जी क्रूड के अंदर सर मुझे पॉजिटिव मोमेंटम जो लगता है वो 2100 के अबव ही लगता है। अगर मार्केट 2100 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउनसाइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा जो किया जाऊ 2030 रुपए का रहेगा, और अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 2250 तक के लेवल्स जो है वो क्रूड के अंदर देख सकते हैं। बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि 9 तारीख का जो डेट है गुरुवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है 102 दिन के अंदर इतना मोमेंटम जो है पर क्रूड अपसाइड में दिखा सकता है। ओके ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका और राजीव कपूर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।